गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। सुबह का टाइम है, यहाँ बन रही है भिंडी की सब्जी और यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और सब्जी मेरी बन गई है। सब्जी बना करके मैं आ गई हूँ बालकनी धोने के लिए और चाय का गैस मैंने कम कर दिया है ताकि निकल नहीं जाए। कई बार क्या होता है, भूल जाते हैं तो चाय निकल करके बाहर आ जाती है। अब बस बालकनी धोऊंगी और मैं जाऊंगी मंदिर और मंदिर जा करके वापस आऊंगी और फिर पीऊंगी चाय और फिर जाएंगे मॉर्निंग वॉक के लिए, जो कि मेरा हमेशा के रूटीन है। चलिए अभी मैं आ गई हूँ मंदिर, मंदिर में पूजा करेंगे फिर जाके चाय पियेंगे। और बस हम लोग हो गए हैं तैयार और अभी जा रहे हैं और मैं पहन रही हूँ शूज़। और इस शूज़ के बारे में कमेंट आया था कि ये शूज़ आपने कहाँ से लिए, तो मैंने शायद पहले भी जवाब दिया था किसी ब्लॉग में कि मैंने ये शूज़ जो मुंबई से लिए हैं बहुत ही कंफर्टेबल हैं और काफ़ी टाइम हो गया मुझे इसे पहनते हुए। अब ये थोड़े घिसने लगे हैं तो मुझे लगता है अब थोड़े ही दिन के मेहमान हैं, लेकिन जितने भी हैं मैं इसका पूरा कस लूँगी फिर ही छोड़ूँगी। चलिए जी वॉक के लिए निकल गए हैं। अभी बस वॉक करके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके वापस आएंगे घर। पहुंच गए हैं अशोक उद्यान और अभी सुबह सुबह थोड़ी ठंड पड़ने लगी है क्योंकि पहाड़ों में गिरी है बर्फ़ और इसकी वजह से सुबह सुबह ठंड रहती है। हल्की सी हवा में ठंडक है और सुबह सुबह जब नहाते हैं तो पानी ठंडा लगता है, तो थोड़ा सा गीज़र भी चलाना पड़ता है। गाड़ियों की भरमार देखो आप, हर वक्त सेम टू सेम। चलिए जी वॉक हमारी हो गई है और पतिदेव को करवा दिया है नीम का नाश्ता। जो नीम की कच्ची कुंपल निकलती है वो वॉक करने के बाद थोड़ी सी जो छोटी छोटी पत्तियां होती है वो खाते हैं। और बस अब मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, यही नाश्ता है इनका। तो चलिए चलते हैं घर। क्या सुंदर लगता है यार, सच में मस्त मस्त लगता है। सिर्फ चैत्र में थोड़ी आती है, बाकी नहीं आती क्या? अच्छा हाँ, मैं बता दूं कि नीम की कुंपल जो है ना चैत्र में ही खाई जाती है, कहते हैं उससे खून साफ होता है, अच्छा होता है। तो मैं तो नहीं खाती, सिर्फ यही खाते हैं, कहीं आप पूरे साल ही खाने लग जाओ। वॉक करके वापस आने के बाद थोड़ी देर 5 से 10-15 मिनट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आराम से बैठ के पानी पी सकूँ और थोड़ी देर मोबाइल चलाएंगे और उसके बाद जाएंगे फिर से किचन में जहाँ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बीतता है। और आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ बॉम्बिनो सेवइयाँ, नमकीन सिवैयाँ, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं वर्मसिली सिवैयाँ, जो भी नमकीन बोल रहे हैं वो मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ। नमकीन सिवैयाँ जिसको जो कंपनी है वो है शायद बॉम्बिनो करके। और यहाँ पर मैंने मिर्ची काट ली है, प्याज काट लिए हैं, नीचे है इसमें करी पत्ते और एक लिया है टमाटर। तेल गर्म हो गया है, राई डाल देंगे, कटे हुए प्याज, हरी मिर्च डालेंगे और प्याज को हम हल्का सा पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे।
और यहाँ पर सिवैयाँ उबल गई है छलनी में डालकर। मैंने इसे ठंडे पानी से धो लिया है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ टमाटर। और मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, बस ये तीन मसाले जाएंगे इसमें। अभी लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पका लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें सिवैयाँ, धम से पड़ेगी, धम से। और इस सबको मिला करके हम इसमें डालेंगे नींबू और हरा धनिया और हमारा ब्रेकफास्ट तैयार। और इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। और फ्रेश कटा हरा धनिया। और मिक्स करेंगे और फिर मैं मिलती हूँ आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद। ये मेरा फेवरेट नाश्ता है, घर में किसी को पसंद नहीं है पर मुझे बहुत पसंद है। आज शाम को राजमा चावल बना लूं? नहीं। क्यों नहीं? तो फिर क्या बनाऊंगी? मलाई प्याज? क्या फिर नहीं भिगोऊं क्या राजमा? तो मलाई प्याज बना दो, सानू कह रही है मलाई प्याज बनानी है। ठीक है। और मैं बनाने वाली हूँ कैरी पन्ना, जिसके लिए मैंने एक बड़ी कैरी को काट करके भगोने में डाल दिया है। इसमें डाला है पानी और अब हम इसे अच्छे से उबालेंगे। और यहाँ पर हमारी जो कैरी है वो अच्छे से गल गई है। अभी हम इसमें चीनी डालेंगे और चीनी को मेल्ट करने के लिए थोड़ी देर और पकाएंगे। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा करके पीसेंगे और इसमें डालेंगे कुछ मसाले। और आज मैं कर रही हूँ गैस चूल्हे की डीप क्लीनिंग, क्योंकि जो प्लेट्स होती है ना इनके नीचे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है। रोजाना क्या होता है, हम प्लेटें साफ़ कर देते हैं और बस। तो आज इन सब को हटा करके जो स्टील वाला हिस्सा है उसको, ये स्टील वाले झावा बोलते हैं क्या बोलते हैं, इससे साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो ये इसके कॉर्नर से काफ़ी गंदगी निकल रही है। ये वाली क्लीनिंग रोज़ नहीं होती है, ऊपर ऊपर से ही साफ होता है रोजाना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो गैस चूल्हा है वो बहुत अच्छे से चमक गया है। अभी फिर से गंदा करने की बारी है। हम रखेंगे इस पे तवा और तवे पे थोड़ा सा डालेंगे जीरा। गैस मैंने जला दिया है, जीरे को हम भून लेंगे अच्छे से। क्या बना? मैं जीरे को भून रही हूँ, बनाऊंगी कैरी पन्ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरा भून गया है, धुआं निकलने लग गया है, फ्लेम मैंने बंद कर दी है और अब गैस बंद कर दी है। ध्यान रखिएगा, चार इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च, इनको हम तवे पे डाल देंगे ताकि ये भी थोड़ी सी रोस्ट हो जाएगी, ताकि हम इनको पीसेंगे तो अच्छे से पीस जाएगी। तो फ्लेम बंद है, तवा गर्म है और इस गर्म तवे पे हम डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, ताकि सौंफ में भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो तो ख़त्म हो जाए। तवा गर्म है इसलिए सबको मिला करके ठंडा कर लेंगे। और हाँ, जैसे मैंने गुड़ क्या बोलते हैं उसको, कैरी पन्ना की जो कैरी उबाली है उसमें चीनी डाली है। आप चाहे तो उसकी जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। आज तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, चीनी की जगह गुड़ डाल सकती थी, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं गुड़ डाल करके कैरी पन्ना बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमारी कैरी ठंडी हो गई है। कैरी कैरी नहीं, कैरी। कैरी तो
क्या थी, जेठालाल की बहन थी, मुंह बोली। तो हमारी कैरी ठंडी हो गई है, अब हम इसे डालेंगे मिक्सी जार में। और यहाँ पर मिक्सी जार में मैंने डाला है फ्रेश फ्रेश पुदीना, अगर आपके पास पुदीना है तो ज़रूर डालिएगा। अब हम इसमें कैरी डाल देंगे और इसी के साथ में हम पीसेंगे ये जो हमने जीरा और सौंफ भुनी थी, इसमें हम डालेंगे काला नमक, और आप चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मैं खाली काला नमक ही डाल रही हूँ। अब इन सबको हम अलग अलग पीस लेंगे, कैरी को और इस मसाले को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरी अच्छे से पिस गई है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो अभी हम डालेंगे एक बड़े बर्तन में जो हमने कैरी पीसी थी, और जो मसाला पीस के रखा था वो भी डाल देंगे, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये जो कैरी पन्ना है अभी गाढ़ा है, तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मैं अभी इसमें ठंडा पानी भी डालूंगी और बर्फ़ भी डालूंगी। और हमारा कैरी पन्ना हो गया है तैयार, और इन दो कांच की बोतल में भर करके मैं फ्रिज में रख दूंगी इनको, और आराम से 5-7 दिन चलेगा, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। और ये दो बोतल के अंदर मैंने भर दिया है, फ्रिज में रख देंगे। आप लोग भी बनाओ तो ध्यान रखिएगा, कांच की बोतल में ही स्टोर कीजिएगा, किसी प्लास्टिक में स्टोर मत कीजिएगा। और मेरे किचन की कुछ ऐसी हो गई है हालत, क्योंकि मेरी जो किचन की ड्रॉर थी, यहाँ देखो गंदगी हो गई है, ये वाली जो ड्रॉर थी ना ऊपर वाली, ये कभी भी खुल जाती थी, खुल के ये वाला जो है ये नीचे गिर जाता था, बहुत ही बुरा हाल था। तो अभी ठीक करने के लिए आए थे, वो ठीक करके चले गए हैं, और थोड़ी सी गंदगी हो गई है, तो बस अभी मैं क्लीन करूँगी इन सबको, और ये जो सारा सामान देख रहे हो आप यहाँ पे, ये सारा इसमें वापस लगाऊंगी। अभी आंगन गले में खींच, पता नहीं मेरे गले में ना थोड़े थोड़े गले में अजीब सा होने लगता है, तो मेरे जो आंगन की सफाई है मैंने कर दी है, अभी बस ये सारा सामान जमा दूंगी। किचन में छोटा छोटा इतना सामान होता है ना कि आपको मालूम ही नहीं चलता, जब वो आप अलग तो बिखेरते हो ना, साफ सफाई करते हो तब मालूम चलता है कि आपके सामान कितना ज्यादा है। हालांकि मैं इतना सामान रखती हूँ जितना जरूरी हो उतना ही रखती हूँ, एक्स्ट्रा घर में सामान डाला कि नहीं भरती। पहले मुझे मालूम नहीं था ना, तो मैं जब नई नई घर सेट करने लगी थी तो मुझे बस जो दिखता कभी ना कभी काम आ जाएगा, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, लेकिन अब इतनी समझ में आ गई कि क्या काम आएगा क्या नहीं आएगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं एक्स्ट्रा सामान ना खरीदूं। बस इन सबको जमा देते हैं। रामपुरी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रामपुरी आपको नहीं दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने बनाया है फ्रूट रायता, जिसमें मैंने दही में थोड़ी सी चीनी डाल दी है, और मैंने फ्रूट डाले हैं अंगूर, अनार, एप्पल और मैंगो, और ऊपर से मैंने डाली है थोड़ी सी केसर। और यहाँ पर हमारा फ्रूट रायता तैयार। तो अभी मैं छील रही हूँ आम, क्योंकि अभी शाम को लगी है भूख, उसको बना के दूंगी मैंगो शेक, मेरे लिए बनाऊंगी मैंगो लस्सी, और आज शाम को फिर से डिनर बनाने वाली है सानू, जिसके लिए मैंने 4-5 बड़े बड़े प्याज निकाल करके रख दिए हैं, वो बनाएगी मलाई प्याज। तो पहले मैं उसको मैंगो शेक बना के दूंगी, खुद के लिए मैंगो लस्सी बनाऊंगी, उसके बाद मैं लहसुन छीलूंगी, और फिर सानू बनाएगी मलाई प्याज। तो रेसिपी तो मुझे पता नहीं मैं शेयर कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि वो जब भी खाना बनाती है ना तो वो इतना ज़्यादा बिखेरा करती है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, किचन गंदा कर देती है पूरा, यूँ फैलावड़ा पूरा इधर उधर हाथ लगाना। तो मैं वैसे कोशिश करती हूँ जब वो खाना बनाए तो मैं बाहर रहूँ, और वो खाना बना के बाहर आ जाए तो फिर मैं किचन के अंदर आऊँ और पूरा नीट एंड क्लीन करके चली जाऊँ। पर देखती हूँ, अगर हो सका तो आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करेंगे मलाई प्याज की। वैसे सानू खाना बहुत अच्छा बनाने लग गई है, मुझ पर गई है ना। और अभी सानू तो आई नहीं है, उसको थोड़ा काम कर रही है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी मेरे लिए मैंगो लस्सी,
वैसे मैंगो लस्सी की कोई खास रेसिपी है नहीं, मैंने पहले भी इसकी रेसिपी शेयर की है कैसे बनाना है, लेकिन आज फिर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि थोड़ा सा लेंगे हम मैंगो और इसके बाद हम डालेंगे उसमें थोड़ी सी चीनी, क्योंकि हम मैंगो लस्सी बनाने वाले हैं तो दही भी खट्टा है, आम भी थोड़े से खट्टे हैं। चीनी डाल दी, थोड़े से बादाम डालेंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दही और इसको पीस लेंगे। और यहाँ पर मेरी मैंगो लस्सी तैयार है। अब सानू के लिए सब कुछ मिक्सी जार में डाल करके चीनी और मैंगो छोड़ दूंगी, जब वो आएगी तो उसका दूध डाल करके इसके अंदर और मैंगो शेक तैयार कर दूंगी। आप लोग बताइएगा आप लोगों को मैंगो पसंद है या नहीं। मुझे लगता है सब लोगों को मैंगो पसंद है, कोई भी ऐसा नहीं होगा, एक आध होगा जिसको मैंगो पसंद नहीं है। तो चलिए मैं मेरी मैंगो लस्सी इंजॉय करूंगी और बैठे बैठे थोड़ा सा टीवी देखूंगी और लहसुन छीलूंगी। मैं तो खुद खाते नहीं तो मुझे याद भी नहीं रहता, तो मैं लग गई थी कुछ काम और भूल गई। सानू तूने क्या क्या डाला इसमें? घी, घी डाला, जीरा डाला, जीरा डाला, हींग डाली, हींग डाली, प्याज डाल दिए, हाँ, कूटे हुए लहसुन में हल्का सा नमक और हल्की सी हल्दी डाल के हल्के से पानी के साथ उसको मिक्स करके वो डाल दिया। अच्छा, पल्विका की मम्मी की रेसिपी है। पल्विका की मम्मी की रेसिपी है, मेरे लिए बहुत नई थी पर बहुत टेस्टी बनती है। तो अब इसमें क्या डालेगी तू? अच्छा, तू मलाई प्याज बना रही है ना? हाँ। ये सानू की फ्रेंड की मम्मी की रेसिपी है, सानू ने वहाँ पे मुंबई में खाई थी, सानू को बहुत पसंद आई थी, उसने बोला मम्मी आपको भी बना करके खिलाऊंगी। और सानू ने सब्जी बनाना शुरू कर दिया था पर मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी तो मैं भूल गई उसको शूट करना, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि उसने घी में बनाई है सब्जी। घी डाला, जीरा डाला, हींग डाला, प्याज डाला, लहसुन, हल्दी, नमक डाल के प्याज को फ्राई कर रही है। उसके बाद डालेगी मसाले और मलाई, है ना? अभी डाल दें मसाले। अच्छा, मसाले मलाई, एक चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर। मसाले तो आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई लोग कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। गर्मा गर्म रोटी के साथ खाओ, तंदूरी रोटी, नान, पराठा। मेरे को आज फिर से तंदूरी रोटी खानी है। प्लेन आटे से बना सकती हूँ? तो वही बोल रही हूँ, बना दूँगा। ठीक है, बना दूँगी। वो प्लेन आटे से तो बनता है नॉर्मल? हाँ, उस दिन तो मैंने थोड़ा सा फर्मेंट करके बनाया था ना, मैंने बनाई थी तंदूरी रोटी विद काली दाल, बहुत ही स्वादिष्ट ढाबा स्टाइल खाना बनाया था, सबको बहुत पसंद आया था। सब कहते हम दो तीन जो भी, क्यों मैंने भी तो खाई थी ना आपके अलावा, आप तो खाने के हम 300 बराबर हैं, इसलिए हम सब में काउंट होते हैं। और ये नमक मिर्ची पकाने के बाद में क्या डालेगी? मलाई डालेगी बस, और हल्का सा अमचूर पाउडर फॉर टेस्ट। हाँ, हल्का सा अमचूर पाउडर डालेगी बस, ये दही नहीं डाल रही है, अगर कुछ आए तो दही डाल। दही नहीं डालता, मलाई प्याज है, दही क्यों डालेगा? नहीं डालना दही। ओके, दही नहीं डालना, खटाई के लिए अमचूर पाउडर ही डालना और हमारी सब्जी हो जाएगी तैयार। और दिखने में तो अभी भी बहुत शानदार नजर आ रही है ये। हल्का सा अमचूर पाउडर देना। हाँ, और ये निकाल दी मलाई और अभी डाल रही है अमचूर पाउडर। तो मैं ये गाना गाऊं, अगर तू चली जाएगी तो तेरा खाना बहुत याद आएगा। अच्छा, तो मैंने कुछ खास बनाया ही नहीं। बनाया तो है, इतना तो बना के खिला दिया। अब तो दिवाली पर आएगी जब तक इतना टाइम रहेगा नहीं कि तो कुछ बना के खिलाएगी। अब कल बनाऊंगा फिर पनीर की सब्जी जो मैं बनाती हूँ, मेरी रेसिपी। ओके, बोलना नीचे पर खुशबू एकदम नॉन वेज। हम लोग नॉन वेज खाते नहीं हैं पर लोगों के यहाँ पे ना बनता है या उनकी खुशबू आती है ना, तो वैसी खुशबू आ रही है नॉन वेज वाली। मलाई के तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, क्रीम से ज्यादा अच्छी बनती है। सही में मलाई, प्याज, धनिया वनिया डालेंगी? नहीं, कुछ भी नहीं। कसूरी मेथी, कसूरी मेथी डाल सकते हैं फॉर बेटर टेस्ट। हाँ, कसूरी मेथी खुशबू। पल्लिका तो नहीं डालती वैसे, वो भी वो मतलब बिना उसके भी कोई बुरी नहीं लगेगी, पर डाल सकते, डालनी है अगर फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं कुछ तो। अब इसको आंटी शायद नहीं डालते कसूरी में। अब मलाई को पका लेंगे जब तक इसमें। जय आंटी, दिस इज फॉर यू, आई लव यू।
घी निकले अलग हो तब तक हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। और यहाँ पर कसूरी मेथी को थोड़ा सा भून करके सानू सब्जी में डालेगी, रोस्ट कर रही है। ओके, से तवा गर्म होगा और कसूरी मेथी को थोड़ा सा तवे पे भून करके इसमें डाल दी गई है। और यहाँ पर हमारे मलाई प्याज की सब्जी हो गई है तैयार। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का ब्लॉग, ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे इस ब्लॉग को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, डिनर मैंने कर लिया है। वैसे मैंने ब्लॉग खत्म कर दिया था लेकिन सब्जी इतनी अच्छी बनी है ना, मैं बता नहीं सकती। इतनी टेस्टी सब्जी बनी है कि मेरी आत्मा तृप्त हो गई। तो थैंक यू पल्विका, और थैंक यू पल्विका की मम्मी, आपने सिखाई पल्विका को इतनी अच्छी सब्जी बनाना और उसने सिखाया सानू को इतनी अच्छी मलाई प्याज की सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी बनेगी पर बहुत टेस्टी बनी। नहीं नहीं, सानू टैलेंटेड है पर पल्विका और पल्विका के मम्मी ज़्यादा टैलेंटेड है जिन्होंने ये सब्जी सिखाई है। तो मज़ा आ गया, आप लोग भी ज़रूर बनाना। और कोशिश करूँगी कभी डिटेल में आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने की। अभी तो मैं ज़्यादा अच्छे से दिखा नहीं पाई लेकिन सब्जी बहुत ज़बरदस्त, मतलब ढाबा वाबा सब फैल है इसके आगे। तो चलिए ब्लॉग अब फाइनली ख़त्म करते हैं।